भूमिधरी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। 61 तालाब है, 9 तालाब टाउन के अंदर है, कब्रिस्तान 10 है। जमीन पे कब्जा करे हुए हैं। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सही। योगी सरकार 2.2 में जिस प्रकार से देखा गया है, बुलडोजर की कार्रवाई चरम पर है। अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, प्रशासनिक अमले के हाथ पूरी तरह खोल दिए गए हैं। पर अभी भी कई ऐसे जो कारनामे हैं वो सामने आ रहे हैं कि अवैध निर्माण हो रहे हैं या तालाबों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। भूमाफियाओं के भी हौसले कुछ इस कदर बुलंद देखने को मिल रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। और आरोप लगाने के लिए आज रायबरेली के बचत भवन के बाहर किस प्रकार से यहाँ पे कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, इन तस्वीरों से ये बात तो साफ है कि कई हद तक कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको लेकर इन ग्रामीणों को अपना काम छोड़कर, अपना काम धंधा छोड़कर आज धरने पर बैठना पड़ रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा, बहुत कम ही देखने को मिलती है। सामने कार्यालय है बचत भवन, जो यहाँ पे मीटिंग हाउस कह सकते हैं इसको रायबरेली का। यहाँ पे DM रायबरेली यानी जो मैम है वो यहाँ पे डिस्कशन कर रही हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रही हैं। उनका साफ उद्देश्य यही होगा कि किस प्रकार से जो ज़िले की जो कमान उनके संभालने के बाद जो जो चीज़ें इधर उधर हो चुकी हैं उनको सही किया जा सके, सुचारू रूप से जिला का जो संचालन है वो किया जा सके। पर बाहर बैठे धरने वाले लोग आखिर कौन हैं, कहाँ से आए हुए हैं, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। इन्हीं के पास चलते हैं, आखिरकार क्या दिक्कत आ रही है इन लोगों को कि आज इन लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, और इन लोगों की आखिरकार मांग क्या है। जी, मेरा नाम अर्चना है, मैं स्वराज इंडिया पार्टी से हूँ। क्या दिक्कत क्या आ रही? देखिए, ये हमारे साथी हैं, ऊंचा हार से सभाए हुए हैं। 10 दिन पहले हमने जिला प्रशासन को एक नोटिस दिया था कि आज हम यहाँ धरने पे बैठेंगे, ठीक है, लेकिन सर कोई नोटिस किसी ने नहीं लिया। और ये समझ लीजिए कि वहाँ पर ऊंचा हार टाउन एरिया में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, कब्रिस्तान, तालाब और भूमिधरी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, लेकिन कोई प्रशासन में हम लोग कहते भी हैं तो कोई भी नहीं वहाँ सुनवाई होती। किससे कहा गया प्रशासन? आप एग्जैक्टली प्रशासन का नाम ना ले, किससे आपने किया? कहेंगे प्रशासन का हिस्सा तो वहाँ SDM से शुरू होता है। SDM से आपने जी वहाँ पे कब किया आपने? ये वहाँ 10 दिन पहले, उसके कई काफी दिनों से वहाँ चल रहा है, एक दिन बार नहीं गए, कई बार गए। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ लगातार कह रहे हैं, मजबूर होके हम लोग यहाँ आए। आज हमने यहाँ अभी जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं वो आई थी, उन्होंने हमारे साथियों के ज्ञापन लिए, उन्होंने हमने उनसे मांग की है कि एक टीम बनाइए जिले स्तर पर। होता क्या है कि जो नीचे के स्तर के कर्मचारी हैं वो वहाँ पर रिश्वत लेते हैं और वो कागज़ पे कब्जा हटाया हुआ दिखा देते हैं, वो कब्जा बदस्तूर जारी रहता है, हटता नहीं है। तो हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से जिले स्तर पर एक टीम बनाइए, एंटी भूमाफिया जो प्रशासन का निर्देश है सचिव से, वो बनाइए और उसके वो टीम निगरानी करे कि जो भी हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ इंक्रोचमेंट है, तालाब और कब्रिस्तानों पर जो कब्जे हो रहे हैं उन पर कार्रवाई करें। कौन कर रहा है कब्जा? आप कब्जे की बात करें, कौन कर रहा है, नाम बताइए। पूरी टीम है, किसको हम कह दें? प्रशासन को पता है कि कौन वहाँ, प्रशासन ही कब्जे करवा रहा है, भूमाफियाओं की मदद कर रहा है, तो हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन वहाँ हो रहा है। लगभग कितनी जमीन ऐसी होगी? कितने कम से कम 68 तालाब है वहाँ? 61 तालाब है, 9 तालाब टाउन के अंदर है, कब्रिस्तान 10 है और भीटा 5 है जिसपे अवैध रूप से निर्माण करके, दरअसल वो NTPC के करीब है, तापी विद्युत NTPC के करीब है, जिसकी वजह से वहाँ बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी आते हैं और रिटायर होने के बाद वहीं मकान बनाते हैं, जिसकी वजह से आसमान छू रही वहाँ ज़मीन कीमत। तो ये भू माफिया जो गिरोह बना के ये अजहर सरकारी ज़मीनें है? जी जी बिल्कुल सरकारी ज़मीन है, उसको तो हर 6 महीने में लेखपाल रिपोर्ट लगाता है कि शासन की ज़मीन पर कितना कब्जा हुआ, जबकि वो रिपोर्ट लगाता ही नहीं। अगर वो रिपोर्ट लगा के SDM माध्यम से कलेक्टर को भेजे और कलेक्टर शासन को भेजे तो वो आज तक उस पर कब्जा हो ही ना। आखिरकार अभी तक एग्जैक्टली आप लोगों ने SDM से शिकायत की है, पर आप लोगों को क्या लग रहा है किसकी बड़ी गलती है यहाँ इसमें? जो लेखपाल जी जी जो स्थानीय स्तर पर लेखपाल होता है वो सरकार जी लेखपाल जो क्षेत्रीय लेखपाल है उसकी जब जांच करवाएंगे तो वो सामने आ जाएगा लेखपाल कौन है। क्षेत्रीय स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि लेखपाल होता है, धारा 26 के अंतर्गत लेखपाल निवास करता है अपने क्षेत्र पे और सरकारी ज़मीन कितनी उसकी निगरानी करता है, उस पर अवैध कब्जेदार जो भूमाफिया उनको भी अच्छी तरीके से वो जानता है, मगर वो कभी रिपोर्ट नहीं लगाता कि सरकारी ज़मीन बेश कीमती है, इस वजह से निर्माण मतलब वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है, ये कहना चाह रहा है? बिल्कुल यही बात है, सिर्फ यही बात है, इसी बात को लेकर
सर वहाँ पे जो है जो कब्रिस्तान हैं मुस्लिम भाइयों कब्रिस्तान हैं, अगर उन कब्रिस्तानों पे आलीशान बिल्डिंगें बनेंगी, कब्रिस्तान का क्षेत्रफल छोटा हो जाएगा और आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है तो वो कहाँ दफनाएंगे अपने। तालाबों को लेकर भी इसमें काफ़ी कुछ लिखा गया है, उसके बारे में क्या? तालाब दरअसल शासन ने कहा कि जिले में 75 तालाब का पुनर्निर्माण हो। हम कह रहे हैं 75 तालाब के निर्माण की क्या ज़रूरत है, जो पुराने तालाब हैं उनको कब्जा मुक्त कराया जाए, उन्हीं को तैयार किया जाए। शासन ने ये भी कहा कि हर ज़िले में मानसरोवर तैयार किया जाए, और जबकि शासन ने कहा कि मानसरोवर वहाँ क्यों नहीं तैयार किया जाता, क्योंकि वहाँ बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अभी आपको क्या आश्वासन मिला है, ये बताएं? आश्वासन तो जिला प्रशासन ने पहले भी दिया है और आज भी दिया है, 10 दिन का समय मांगा है। हम उससे जिले स्तर से मांग कर रहे हैं कि जैसे शासन ने कहा है कि मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर और स्थानीय स्तर पर एंटी भू माफिया टीम एक गठित की जाए, और जिसका जिले के अंदर अध्यक्ष कलेक्टर होगा। ये बात हम अनेकों बार कर चुके हैं मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज भी उन्होंने आश्वासन दिया है और स्थानीय प्रशासन को नापने के लिए कहा है। स्थानीय प्रशासन लाउड स्पीकर से वहाँ पर अवैध कब्जा हटाता है, अवैध कब्जा लाउड स्पीकर से हटता है। सर ये बताइए आप हमको, मौका मुआयना करें, वहाँ सीमांकन करें, चौहद्दी नापे, कौन कब्जेदार सामने आ जाएंगे इसमें सबसे। तो क्या किया जा रहा है, कब्जा करके क्या वहाँ की प्लॉटिंग की जा रही है, आगे किया क्या जा रहा है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। जी कब्जा करके वहाँ लोग मकान बना रखे हैं, दुकानें खोल रखे हैं, उसको किराए पर उठा रखा है, बहुमंजिले इमारत भी बनी हुई है जिसपे शॉपिंग मॉल वगैरह भी खोलने का प्रयास किया जा रहा है, और भी तमाम औद्योगिक प्रतिष्ठान खोले जा रहे हैं वहाँ पे। क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन से आप लोग? हमको प्रशासन से तो उम्मीद कर ही रहे हैं, हमको सबसे ज़्यादा उम्मीद शासन से है, क्योंकि शासन ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उसको जिला प्रशासन लागू नहीं करवा रहा है। शासन बैठा हुआ है, वो देखेगा, हम अपनी बात रखेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट से बात हुई आप लोगों की, कुछ अस्वस्थ हुए कि नहीं हुए? जी जी बिल्कुल हम अस्वस्थ नहीं हुए, फिर भी उनके कहने पर एक बार चले जा रहे हैं। हमने कहा कि जिला स्तर से कमेटी गठन किया जाए, वो जो स्थानीय प्रशासन को आदेश दे रहे हैं कि आप वहाँ करिए, हम उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नियम यह है कि जिसको आरोपी बनाया जाए उससे जांच न कराई जाए, अगर उसी से जांच कराई जाएगी तो ये बिल्ली से दूध की रखवाली वाली जात साबित होगी, जाहिर सी बात है। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, उसका भी नाम जिक्र आ रहा है, श्रीमती रानी शायद यही है। रानी, क्या दिक्कत क्या रही है आपको? हमारी जमीन पर कब्जा करे हुए हैं मुसलमान लोग हैं, अजहर नकबी। 30 साल हो रहे हैं, चार भी सुआ। कहीं पे शिकायत किया इस बात की? शिकायत तो किया है, एसडीएम एसडीएम को दिया है, कागज कोई सुनवाई नहीं हुआ। कब दिया था आपने लास्ट टाइम? लास्ट 10 दिन पहले दिया था। अभी तक कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। देखिए जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार लोगों का साफ साफ कहना है कि अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है जिससे ये बात माना जा सके कि जिला सुचारू रूप से चल रहा है, पर मीटिंग लगातार जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अंदर रायबरेली की डीएम माला श्रीवास्तव अंदर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही हैं। अभी हालांकि वो बाहर आएंगे और चीज़ों को देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो उनको इस बात को देखना चाहिए कि आखिरकार किस प्रकार से वो चला रहे हैं। पर एक चीज़ और है कि उनके रायबरेली में आने के बाद भले ही कई ऐसे कड़े रुख इख्तियार किए जा रहे हों, पर इस प्रकार के जो कारनामे सामने आ रहे हैं वो उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही साफ साफ उजागर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इनकी शिकायत के बाद आखिरकार कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, यह आने वाला समय ही बताएगा। पर आखिरकार सबसे बड़ा सवालिया निशान यह है कि शासन की तरफ से आदेश होने के बाद इस प्रकार की कार्रवाई जो की जा रही है भूमाफियाओं द्वारा, जिस प्रकार से कब्जा किया जा रहा है उस पर आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर कब चलेगा, यह बड़ा सवालिया निशान खड़ा करेगा रायबरेली के जिला प्रशासन पे। अखिल श्रीवास्तव, आर एक्सप्रेस, रायबरेली। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक।